ट्रेन दुर्घटना के दौरान भक्त की जान बचाने चले आए स्वयं महादेव, फिर जो भी हुआ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सब तो ये जानते होंगे कि महादेव की कृपा जब उनके भक्तों पर पड़ती है तो उन्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती। लाखों श्रद्धालु अपने सिर्फ एक ही आस लिए महादेव के पास आते हैं कि उनकी मुलाकात महादेव से हो जाए और महादेव की कृपा उन पर बनी रहे। आज की घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो हमेशा महादेव से लड़ा करता था, लेकिन फिर भी महादेव ने उसकी जान बचाई। हम आपको उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये घटना है कोलकाता शहर में रहने वाले व्यक्ति जगत की। जगत एक ऐसा व्यक्ति है जो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, पर फिर भी जब भी कोई समस्या होती हर छोटी छोटी बात के लिए महादेव से लड़ पड़ते। जगत अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ रहता था और कभी अपनी पत्नी तो कभी अपने बच्चों से अक्सर परेशान रहता। जगत को हर छोटी छोटी बात इतना परेशान कर देती कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। जगत को शराब पीने की लत लग गई हुई थी। वो इन बुरी आदतों को छोड़ना चाहता था पर छोड़ नहीं पाता। कई बार जगत की पत्नी उसे लेकर महादेव के मंदिर जाया करती थी कि कहीं वहाँ के पुजारियों से मिलकर जगत की परेशानियाँ और तकलीफें दूर हो जाएं। पर जगत जैसे खुद ही न चाहता हो कि वो इन तकलीफों से बाहर निकल पाए। महादेव को जगत बहुत पूछता था, पर जब परेशानी में पड़ता तो महादेव से नाराज हो जाता, लड़ने लगता। एक दिन जगत को अपने कुछ काम के लिए कोलकाता से उड़ीसा राज्य में जाना था। जगत का कुछ खास मन तो नहीं था, पर काम के दबाव में उसे जाना पड़ा। जगत कोलकाता से निकल चुका था और उड़ीसा पहुंचने से पहले ही उसके ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। न जाने किसकी लापरवाही से तीन ट्रेनें आपस में टकरा गईं। ट्रेन टकराने के कारण कई हजारों लोगों की मौत हो गई। आपने खबरों में सुना ही होगा, अभी कुछ दिन पहले ही बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई उसके यात्रियों में जगत भी एक था। जब ये दुर्घटना होने वाली थी तो ठीक पहले जगत बहुत परेशान था और लगातार महादेव को याद कर रहा था। जैसे उसे आभास हो गया था कि कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जगत अचानक महादेव का नाम जपने लगा और तभी एक ट्रेन घिसते हुए उसके ट्रेन से टकरा गई और उसके ट्रेन दूसरे ट्रेन में घुस गई और न जाने कितने लोग तुरंत मारे गए। जगत खिड़की के समीप ही बैठा था और इस दुर्घटना के वक्त एक व्यक्ति ने न जाने कहां से आकर उसका हाथ थाम लिया और उसे खींच कर दूर ले गया। जगत पहले तो उस व्यक्ति को डांटने लगा, पर उसने जब देखा कि उसके सीट पर बैठे लोग ट्रेन के टकराने की वजह से मरने लगे तब जगत शांत हो गया और डरने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये था कौन जिसने उसे बचा लिया। इस दुर्घटना के बाद पूरे ट्रेन में हलचल मच गई और सभी यात्री अपनी जगह छोड़कर भागने लगे। इस हड़कंप में जगत फिर एक बार घायल होते होते बच गया। जब लोगों की भीड़ ने उसे धक्का मार दिया और वो ट्रेन से गिरने ही वाला था तब एक बार फिर उस व्यक्ति ने जगत को बचा लिया और उससे कहा कि अपने आसपास देखो जगत, जहां सभी अपने कर्मों को भोगते हुए दूसरे लोग पधार रहे हैं वहीं जिंदगी तुम्हें कई मौके दे रही है, खुद को बचा लो। और इतना कहकर अचानक वो व्यक्ति वहां से गायब हो गया। जगत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। परेशान हैरान जगत न जाने किस सोच में डूबा हुआ था कि तभी रेस्क्यू टीम के लोग वहां पहुंचे और इस दुर्घटना में बचे हुए लोगों को सुरक्षित एक कैंप में ले गए। उसी कैंप में मरने वाले लोगों की लाशें भी पड़ी हुई थी जिनकी गिनती खत्म ही नहीं हो रही थी। जगत इन लाशों को देखकर अत्यंत डर गया और सोचने लगा कि इनकी जगह आज वो भी हो सकता था। फिर उसे अपने परिवार की चिंता होने लगी कि यदि उसे कुछ हो जाता तो उसके परिवार का क्या होता, उसके बच्चे भी अभी छोटे हैं, उसकी पत्नी कैसे संभालती सब कुछ। इतना कुछ सोचने के बाद उसे ध्यान आया कि जिस व्यक्ति ने उसकी जान बचाई उसे धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आज उसी की वजह से उसे दो बार जिंदगी वापस मिली है। वो भागकर रेस्क्यू कैंप में गया और उस व्यक्ति को ढूंढने लगा। हर एक बेड कमरा उसने छान मारा, उसे वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया। वो पागलों की तरह आसपास ढूंढता रहा। सभी हॉस्पिटल जहां घायल लोगों को ले जा रहे थे सभी जगह जगत ने उस व्यक्ति की तलाश की पर उसे कहीं भी वो व्यक्ति नहीं मिला। परेशान होकर वो एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। शांति से बैठकर उसे उस व्यक्ति की बातें याद आ रही थी। फिर उसने मुंह पोछने के लिए रुमाल अपनी जेब से निकाला तो उसे एक लॉकेट मिला जिसमें आधा चांद बना हुआ था। उसे तुरंत समझ आ गया था कि उसकी जान किसी और ने नहीं स्वयं महादेव ने बचाई है। वो वहीं पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। उसे अपनी सभी पुरानी गलतियों का एहसास हुआ। वो वहीं रोते हुए महादेव से माफी मांगने लगा और कहा कि मैं हमेशा हर चीज के लिए आपसे शिकायत करता रहा पर फिर भी आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जगत को अपनी सभी गलतियों का एहसास हुआ और अब वो महादेव से कभी भी शिकायत नहीं करता। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।